गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द अनदर प्लांट हार्मोन इन द सीरीज ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। टुडे वी विल डिस्कस द साइटोकाइनिन हार्मोन, दैट इज द सेल डिवीजन हार्मोन। इट इज़ द थर्ड हार्मोन आफ्टर द ऑक्सिन एंड द जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन को हम सेल डिवीजन हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट केमिकल है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। हमने ऑक्सिन और जिब्रेलिन में पढ़ा है कि वो सेल एलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं, बट द साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। डिस्कवरी की बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, स्कूग एंड मिलर, जॉइंटली जो इनके डिस्कवरर बोला जाता है उनको, स्कूग एंड मिलर को। स्कूग जो है वो प्लांट पे वर्क कर रहे थे, टोबैको प्लांट पे। उसके सेल डिवीजन पैटर्न को जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि केमिकल होता है जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो होता है वो प्रमोट होता है, दैट वाज द साइटोकाइनिन। मिलर वाज वर्किंग ऑन एनिमल हेरिंग और उसके स्पर्म डीएनए में उन्होंने इसको जो है आइडेंटिफाई किया, साइटोकाइनिन हार्मोन को। वो भी जो है इसमें, इसके स्पर्म डीएनए में भी जो सेल डिवीजन है, स्पर्म सेल में सॉरी जो सेल डिवीजन उसको प्रमोट करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन, तो उन्होंने उसको काइनेटिन नाम दिया। इन 1963 लिथम वाज ए साइंटिस्ट जिन्होंने साइटोकाइनिन वर्ड दिया, विच वाज प्रीवियसली कॉल्ड दी काइनेटिन बाय दी मिलर। प्लांट्स के अंदर जो फॉर्म बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो सबसे अबंडेंट फॉर्म होती है जिटिन फॉर्म, नेचुरल फॉर्म है और अबंडेंट फॉर्म है प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनिन की। एनिमल्स के अंदर काइनेटिन फॉर्म होती है, प्लांट्स के अंदर जिटिन फॉर्म होती है। सो साइटोकाइनिन्स की अगर केमिकल नेचर की बात करें तो ये आपके प्यूरिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो भी आपके प्यूरिन्स हैं, उन्हीं की तरह दो आपकी ये रिंग्स हैं यहाँ पे, और ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर है जिटिन का, विच इज़ द नेचुरल और द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म इन द प्लांट्स। जिटिन के अलावा कुछ और फॉर्म हो सकती हैं, लाइक 2IP फॉर्म होती है, ये भी आपकी नेचुरल फॉर्म है। कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स होती हैं जो लैब में बनाई जाती हैं, लाइक बेंजिलीमेडाजोल एंड दी 6-बेंजाइल एडेनिन, तो ये जो है आपके सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स है और ये आपके नेचुरल साइटोकाइनिन्स है जो कि प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली जस्ट टॉक अबाउट द रोल्स ऑफ द साइटोकाइनिन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं किसी भी हार्मोन के, तो प्लांट्स में किस तरह के फंक्शन शो करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ दी सेल डिवीजन हार्मोन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन में भी हमने पढ़ा है कि जब ऑक्सिन या जिब्रेलिन साइटोकाइनिन के साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो सेल डिवीजन को भी प्रमोट करते हैं, प्लस सेल एनलार्जमेंट करते हैं जो कि उनका मेन फंक्शन था। ऑक्सिन कॉजेज सेल एनलार्जमेंट बाई द एक्सपेंसिन प्रोटीन्स, वेर एज द जिब्रेलिन कॉजेज बाई द ज़ाइलोग्लुकन और द XET प्रोटीन्स। तो जो मेन वर्क है साइटोकाइनिन का, दैट इज़ द सेल डिवीजन। सेकेंड थिंग, ये सेल एनलार्जमेंट को भी प्रमोट करते हैं जब किसके साथ प्रेजेंट हो, ऑक्सिन या जिब्रेलिन के साथ प्रेजेंट हो। तो जिस तरह से ऑक्सिन और जिब्रेलिन इसके साथ सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, उसी तरह से ये सेल एनलार्जमेंट प्रमोट करता है जब भी किसके साथ प्रेजेंट होगा, ऑक्सिन या जिब्रेलिन के साथ, बिकॉज ऑल दे आर दी पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो जब भी एक साथ होते हैं तो और ग्रोथ करते हैं किसी भी प्लांट में, वो एनलार्जमेंट की वे में हो या आपका सेल डिवीजन की वे में हो। नेक्स्ट थिंग इज दी ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एज वेल एज द साइटोकाइनिन, ऑल थ्री हार्मोन्स ब्रेक द सीड डोरमेंसी बिकॉज दे आर द पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स। किसी भी डोरमेंट सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं ये तीनों हार्मोन, जबकि जो आपके नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं लाइक AB एंड द इथाइलिन, वो सीड को डोरमेंट स्टेज में रखेंगे। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसीज। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो, ये हमने ऑक्सिन में भी डिस्कस किया था, मॉर्फोजेनेसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, एक सिंगल सेल को रूट या शूट बनाने की बात करते हैं, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलुलर टोटिपोटेंसी, प्लांट में सिंगल सेल को किसी भी तरह की सेल में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तो वहाँ पे जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉर्फोजेनेसिस के लिए, कि अगर रूट बनेगी या शूट बनेगी। तो अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सिन, सो इट दिस सेल विल फॉर्म इन टू द शूट सेल, या तो स्टेम बनाएगी या ब्रांचेज या लीफ बनाएगी। ऑक्सिन ज़्यादा होता है तो क्या बनती है, रूट बनती है। एपिकल डोमिनेंस को इनिबिट करता है ये फंक्शन जो है, ये बिल्कुल रिवर्स है ऑक्सिन से। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं और लेटरल डोमिनेंस को इनिबिट करते हैं, जबकि साइटोकाइनिन इनिबिट करते हैं एपिकल डोमिनेंस को। सो प्रमोट करेंगे किसको, लेटरल डोमिनेंस को। प्लांट जो कि बिल्कुल आपका जो है एरियल पार्ट्स जो है उसके वर्टिकल ग्रोथ होनी चाहिए, तो एपिकल डोमिनेंस इनिबिट होगा तो ये लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। सो बुशी अपीयरेंस होगी प्लांट की इफ द साइटोकाइनिन इज मोर। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं साइटोकाइनिन। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेम की बात करें, उसमें वेस्कुलर बंडल्स हैं, तो जब भी किसी स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड दिस रीजन इज द
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए साइटोकाइनिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं बनेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या होगी, लेस होगी एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल। सो आपका इंड्यूस करता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन को। ये जो कैम्बियम है दो कैम्बियम के बीच का जो सॉरी दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो कैम्बियम, इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इसको प्रमोट करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। सेनेसेंस डिले करता है, इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जनरली हर एक एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि विच हार्मोन डिले द सेनेसेंस। सो इट इज़ दी एग्रीकल्चरल एग्जाम्स में या कुछ बॉटनी के एंट्रेंसेस में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली पूछा ही जाता है। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो डिले करता है सेनेसेंस को, बिकॉज इट फॉर्म्स द न्यू डीएनएज एंड दी आरएनएज। क्योंकि पॉजिटिव ग्रोथ हार्मोन है तो सेनेसेंस क्या होता है, नेचुरल एजिंग होती है। तो नेचुरल एजिंग को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ऑक्सिन और जिबरेलिन भी इनहिबिट करते हैं सेनेसेंस को, बट ये डिले करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। सो इट इज़ एन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच यू हैव टू रिमेंबर अलॉन्ग विद द सेल डिवीजन। एज ए टोल्ड यू अर्लियर, क्योंकि डिले ऑफ सेनेसेंस करता है तो न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है, डीएनए और आरएनए बनाता है, प्रोटीन्स भी बनाता है, हेल्प करता है बनाने में। कुछ एक प्लांट में फ्लावरिंग में भी प्रमोशन करता है, लाइक जिबरेलिन जो होता है, जिबरेलिन भी फ्लावरिंग प्रमोट करता था कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स में। उसी तरह से हमारा जो साइटोकाइनिन है वो भी कुछ प्लांट्स में लाइक डक वीड्स में, उनमें जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज द हेल्प इन द क्विकनिंग ऑफ द रूट इंडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग द एफिशिएंट रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, ऑक्सिन में भी हमने पढ़ा था, प्राइमरी रूट्स को ऑक्सिन इनहिबिट करता है, जबकि प्राइमरी रूट्स को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। तो ये भी कहीं ना कहीं रिवर्स फंक्शन है ऑक्सिन से। जो लेटरल रूट्स होती हैं उनको ऑक्सिन प्रमोट करता था, और लेटरल रूट्स को साइटोकाइनिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सो मेन रूट्स को प्रमोट करते हैं साइटोकाइनिन, ओके। और सूट एपिकल मेरिस्टम रीजन पे ऑक्सिन प्रमोट करता है किनको, स्टेम को। सो स्टेम की ग्रोथ ऑक्सिन की वजह से ज़्यादा होती है टिप पे, और रूट की ग्रोथ टिप पे साइटोकाइनिन की वजह से ज़्यादा होती है, मेन रूट्स की या प्राइमरी रूट्स। सो दीज आर सम बेसिक फंक्शंस ऑफ दी साइटोकाइनिन हार्मोन। आपने केवल मेन इंपॉर्टेंट जो इसके फंक्शन है लाइक डिले ऑफ सेनेसेंस, सेल डिवीजन, और जो आपका एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करना, ये आपने याद रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।